बात एक आज की और टॉप स्टोरी की करें तो असम में अवैध विदेशियों को पकड़ने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम हेमंत ने साफ कर दिया कि असम में आधार कार्ड बनवाना अब आसान नहीं होगा। आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को अब NRC एप्लीकेशन रसीद नंबर जमा करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या राज्य की जनसंख्या से ज्यादा है, ऐसा कैसे संभव है बिना घुसपैठ के। ऐसे में आशंका है कि कुछ संदिग्ध लोगों को भी आधार कार्ड मिला है और इसी के बाद अब यह कदम उठाया गया है कि जांच की जाएगी और साथ ही अब आधार कार्ड बनवाना बिना इसके संभव नहीं होगा। तो बड़ी खबर आज की टॉप स्टोरी है के बाद एक हम आपको बता रहे हैं, असम में जरा सोचिए कि जितनी जनसंख्या है, जितनी आबादी है, उससे ज्यादा आधार कार्ड बनवाए गए हैं। और अगर ऐसा है तो आप जरा खुद सोचिए कि जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बनवाने का सीधा सीधा मतलब है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए हैं और ऐसे में अब आधार कार्ड बनवाना आसान नहीं होगा। आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को NRC एप्लीकेशन रसीद नंबर जमा करनी होगी। প্রজেক্টে পপুলেশনতকৈ বেছি আধাৰ পাইছে। এতিয়া আমি কৰিব খুজিছো কি যে আধাৰ লাগিলে লব লাগিলে NRCত আবেদন কৰা নম্বৰটো লগত দিব লাগিব। পোৱা নোপোৱাটো কোনেও নাজানে, আমি সেইটোলৈকে যাব খোজা নাই যিহেতু কোৰ্টত বিচাৰাধীন হৈ আছে, কিন্তু এটলিষ্ট মই যে আবেদন কৰিছিলোঁ সেই প্ৰমাণটো দিব লাগিব। আৰু সৰু ল'ৰা হ'লে যদি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী হয় সেইটো আৰু আমি ইনচিষ্ট নকৰোঁ। ই অন্ততঃ নতুনকৈ কোনো লোক অসমত আহি স্বদেশী হোৱাৰ ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিব। और साफ है कि अगर असम में रहने वाले NRC के लिए आवेदन नहीं करते तो उनको नई प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के मुताबिक इस नए नियम के लिए SOP जल्द तैयार की जाएगी और आपको बताते हैं इसको लेकर के क्या क्या जानकारियां जो है वो दी जा रही हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए कि असम में आधार बनवाना आसान नहीं है, आधार कार्ड के लिए NRC एप्लीकेशन नंबर जरूरी होगा। इसके अलावा आवेदकों को NRC एप्लीकेशन की रसीद नंबर जमा करनी ही होगी वरना आधार कार्ड नहीं मिलेगा। सबसे इससे क्या होगा, अवैध घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी। CM ने यह दावा किया है क्योंकि जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा आधार कार्ड मिले हुए हैं, जो सीधे सीधे इस बात की तरफ इशारा करते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि 9,55,000 लोगों पर यह नियम लागू नहीं जिनके बायोमेट्रिक लॉक हुए थे, यानी कि उनकी पहचान सही है। कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या असम की आबादी से ज्यादा होने के बाद ये बड़ा फैसला असम सरकार को उठाना पड़ा है। तो एक एक डिटेल हमने आपको बताया और देखिए असम सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा उसकी वजह अगर आपको और डिटेल में मैं समझाना चाहूं तो CM हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया है कि असम के देखिए 4 ऐसे जिले हैं जहां से अनुमानित आबादी से ज्यादा जो आवेदन है आधार के लिए वो आए हुए, यानी कि जितनी जनसंख्या है कौन कौन से जिले हैं। बारपेटा में देखिए 103.74% आवेदन आए हैं, यानी जनसंख्या से ज्यादा। इसके अलावा धुबरी की बात करें, यहाँ भी 103% आवेदन आए हुए हैं। उसके अलावा मोरीगांव की बात करें और नागांव की बात करें तो इन दोनों ही जगहों पर 101% जो आवेदन है वो आए हैं और नागांव में भी 101% आवेदन जो है वो आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हुए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जनसंख्या से ज्यादा आवेदन किए गए हैं। আধাৰক লৈ নতুন এটা সমস্যা হৈছে যে অসমৰ বহুকেইখন জিলাত ধুবুৰী গোৱালপাৰা আদি জনসংখ্যাতকৈ বেছি আধাৰ কাৰ্ড ইছ্যু হৈছে। প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ এইবাৰ চেপ্টাৰ 12 সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি অলপ আগুৱাই লৈ গৈ আছোঁ, ৰখি যোৱাটো কথাই নাই, আমি অলপ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ। আপোনালোকক মই উদাহৰণ দিছোঁ, বৰপেটাত আধাৰ লোৱাৰ মানুহৰ সংখ্যা 103%, 100%লৈকে আমাৰ দায়িত্ব, কিন্তু 3% মানুহ এক্সট্ৰা। ধুবুৰীত 103, মৰিগাঁৱত 101, নগাঁৱত 101, ফিজিকেল টাৰ্গেটতকৈ বেছি মানুহে আধাৰ লৈছে।